योग गुरु बाबा रामदेव ने बॉलीवुड और ड्रग्स के बीच रिश्ते का दावा करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बेटे का नाम लिया है, जो अब वायरल हो गया है। रामदेव उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। मुरादाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए योग गुरु ने कहा, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एक ड्रग पार्टी में ड्रग्स करते पकड़ा गया था, वह जेल गया था। सलमान खान ड्रग्स लेता है, मैं आमिर खान के बारे में नहीं जानता, भगवान इन अभिनेताओं के बारे में जानता है। उन्होंने कहा, कौन जानता है कि कितने फिल्मी सितारे ड्रग्स लेते हैं। अभिनेत्रियों की स्थिति और भी बदतर है, फिल्म इंडस्ट्री में यह हर जगह ड्रग्स है, बॉलीवुड में ड्रग्स है, राजनीति में ड्रग्स है। रामदेव के आरोपों पर हालांकि किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। रामदेव ने आगे कहा, चुनाव के दौरान शराब बांटी जाती है, हमें संकल्प लेना चाहिए कि भारत को हर नशे से मुक्त होना चाहिए, इसके लिए हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सबूतों के अभाव में किसी भी आरोप से मुक्त कर दिया गया था। 20 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इससे पहले 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक कथित बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस की जांच में कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की गई थी।